मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस जोन थ्री मैंने आपको करा दिया था। चैप्टर हमारा चल रहा है 9th, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। नाउ कम टू सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसके अंदर। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर सबसे पहले आएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट या SI का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, P × T × R/100। ठीक है, P × T × R/100। अब यहाँ पर P क्या है? प्रिंसिपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है। T है टाइम। प्रिंसिपल यानी जो मेन अमाउंट होता है, वो मेन अमाउंट का मतलब है जो दिया गया, जिस पर कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो अमाउंट। और T टाइम है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट का मतलब है वो सम जिसमें प्रिंसिपल जो दिया गया था अमाउंट और जो सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट होता है वो होता है P × SI। ठीक है ना। हमें क्या करना है, इसमें कुछ एप्लीकेशंस देखनी है, लेकिन इससे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट और समझ लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि पहले इसमें समझ लें। देखें, इसके अंदर जो लिखा है वो चीज़ भी है कि इन सिंपल इंटरेस्ट द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज डन ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट पर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट होती है केवल प्रिंसिपल अमाउंट पर, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ इयर्स मनी इज लेंट और बोरोड। यानी कितने टाइम के लिए मनी जो है वो लेंट की गई या बोरो करेगी, इस सब चीज़ों से मतलब नहीं है। सिंपली आप ईयरली अगर आपको दिया गया है तो आप वो टाइम कैसे सीधा कैलकुलेट कर लो। बट समटाइम्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड नॉट ओनली ऑन द प्रिंसिपल बट ऑल्सो ऑन द इंटरेस्ट अर्न्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ये कहा जाए कि इसका मतलब ये सीधा समझ लें आप कि एक तो होता है कि फ्लैट आपने परसेंटेज लगा लिया। फ्लैट का मतलब हुआ कि अगर एक साल का इंटरेस्ट, वन ईयर का इंटरेस्ट आपने चार्ज किया 2%, तो फोर ईयर का इंटरेस्ट के लिए आप जो इंटरेस्ट 2% निकलेगा उसमें × 4 कर देंगे और वो आंसर आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर सीधा सीधा आपने एक साल का जितना इंटरेस्ट हुआ उसे निकाला और उसमें × 4 कर दिया, 10 ईयर्स का मांगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इंटरेस्ट आ गया। लेकिन जब आप क्या करते हैं कि अगर किसी ने एक साल में इंटरेस्ट पे नहीं किया, है ना, जब आप किसी को आप कोई सम ऑफ मनी दे रहे हो और उसने एक साल में इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो आप उस पर कंडीशन लगा देते हो कि नहीं, अगर आपने इसे वन ईयर के अंदर पे नहीं किया या जो टाइम फिक्स है उसमें नहीं किया, तो हम उसे उसी पैसे में ऐड कर देंगे। यानी अब जब उस पैसे को आपने मेन अमाउंट में, जो आपने अमाउंट दिया था उसके अंदर आपने ऐड कर दिया, तो उसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर वो जो इंटरेस्ट है वो उस सम के ऊपर होगा। यानी जो आपने प्रिंसिपल जो पैसा लगाया था, जिस पर जो एक साल का इंटरेस्ट हुआ वो उसी में ऐड कर दिया, और अगली साल के लिए जो प्रिंसिपल होगा अब ये होगा। सपोज आपने 100 रुपीज़ दिए तो उसमें 10 रुपीज़ का, सपोज आपने 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट आपको 10 ईयर, एक साल का हुआ वन ईयर का, तो 110 रुपीज़ हो गए। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट वाला केस होता तो आप फ्लैट दूसरी साल का इंटरेस्ट निकालना है तो आप 100 रुपीज़ पर ही निकालोगे, क्योंकि वो हर साल का इंटरेस्ट 100 रुपीज़ पर ही निकालना है। लेकिन इन दिस केस जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो आप दूसरी साल का इंटरेस्ट 110 रुपीज़ पर निकालोगे, 110 रुपीज़ पर निकालोगे। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो एक इससे रिलेटेड एग्जांपल है, वो बहुत सही है, मैं उसको आपको क्लियर कर देता हूं और उसके बाद मैं आपको आप ट्राई करेंगे प्रैक्टिस जोन, लेकिन मैं उसमें से क्वेश्चंस कराऊंगा डेफिनेटली। ठीक है, अब देखें, आप एग्जांपल ये है, सपोज अ सम ऑफ 20,000 इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक। Suppose a sum of 20,000 is deposited in a bank at the rate of 10% per annum. यानी आपने deposit किया bank में 20,000 और उस पर rate है 10% per annum का, 10% per annum का for a year, एक साल के लिए, one year के लिए। Time कितना? One year, 20,000 you are depositing and you are charging a rate of 10% per annum. ठीक है, अब बैंक इज चार्जिंग 10% per annum. ठीक है, तो बैंक इज चार्जिंग। नाउ आप क्या करोगे कि कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट
एनुअली, सेमी एनुअली एंड क्वार्टरली. एनुअली, सेमी एनुअली एंड क्वार्टरली. तो अब हम एक एक कंडीशन ले लेते हैं. पहला, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली. एनुअली का मतलब है कि अगर आप एक साल के लिए इंटरेस्ट निकाल रहे हो, केवल एक साल के लिए, तो वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सम है जिस पर आप चार्ज कर रहे हो उस पर कोई इंटरेस्ट तो लिया गया नहीं होगा, क्योंकि पहली साल है आप इंटरेस्ट चार्ज करने जा रहे हो. लेकिन एनुअली चार्ज करना है तो प्रिंसिपल कितना, 20,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम है 1 ईयर. और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू अमाउंट आपको निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट. तो अमाउंट निकाल सकते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला होता है, फिर इसमें से हम जो इंटरेस्ट है जो इसमें से प्रिंसिपल माइनस करते हैं. तो अमाउंट इज इक्वल टू पी 1+R/100 होल पावर एन. एन इज टाइम, आर इज रेट, पी इज प्रिंसिपल. तो पी इज 20,000, 1+10, आर इज 10/100 और एन इज 1, क्योंकि हम एक साल के लिए ही कैलकुलेट कर रहे हैं. तो वैल्यूज रखते हैं और जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 22,000 आपको अमाउंट मिल रहा है. सीआई हो जाएगा 22,000 माइनस 20,000, तो 2,000 रुपीज इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, तो अगर आप एसआई से भी एक साल का निकालोगे तो भी ये इतना ही आ जाएगा. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो तो हमें दूसरी साल से ही पता लगता है, लेकिन फिलहाल अगर एक साल का माना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो यही होगा. तो यही होगा ना, तो देयरफॉर सीआई व्हेन मनी इज कंपाउंडेड एनुअली इन 2,000 रुपीज़ इज 2,000. ठीक है, तो 2,000 रुपये या 2,000 रुपीज़ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा. अब देखिए, अब दूसरा, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली. When the interest is compounded semi-annually. Semi-annually means आधी साल का, हाफ ईयर का या 6 महीने का. ठीक है, तो ये semi-annually हुआ. When the interest is compounded semi-annually, तो क्या करते हैं हम कि पीरियड को दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे. ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब है एन की वैल्यू क्या हो जाएगी. हमें तो बेसिकली इस बात पे ध्यान देना है, कि एन की वैल्यू क्या होगी, है ना. तो एन, क्योंकि इंटरेस्ट अब दो बार लगेगा, कैसे लगेगा, पहले 6 महीने में, फर्स्ट 6 मंथ्स में या पहले आधी साल में, और उसके बाद वो जुड़ जाएगा मेन अमाउंट में. फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल होगा वो बढ़ जाएगा और उसके साथ में ऐड होके फिर उस पर लगेगा कितना, तो वही 10%. तो उसके लिए हमें बार बार उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो. बस चेंज क्या होगा वो आप देखो. टाइम हमारा 1 ईयर और 2.5 ईयर, इसका मतलब है एन की वैल्यू अब 2 हो जाएगी. और आर को हाफ कर देते हैं, 10% एनुअली और 5% सेमी एनुअली. तो R को अब हम आधा कर देंगे, तो R R/2 हो जाता है, टाइम N N/2 हो जाता है. तो N/2 का मतलब है अब ये 1/2 हो जाएगा, N की वैल्यू 2 हो जाएगी. N की वैल्यू 1/2 नहीं हो जाएगी, N की वैल्यू 2 हो जाएगी. N की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी और R की वैल्यू R/2 हो जाएगी. ठीक है, तो देखें आप यहां पर N की वैल्यू 2 है और R की वैल्यू 10/2 है, तो 2 नीचे आ जाएगा इसके अंदर. और फिर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 2 पावर है इसमें, तो 2 10/200 × 2 10/200 हो जाएगा. बस आप अभी ये चीज समझें, ठीक है, कि जो कैलकुलेशन है वो कैसे करी आएंगे. इसको आप जब सॉल्व करोगे तो इसमें नीचे 1 मान के एलसीएम लोगे 200, तो 200 जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 210/200 इन, और इसको पावर 2 है तो ये दो बार लिखा जाएगा और 20,000 है. फिर इसे जब सॉल्व करोगे तो नीचे के दो, ये 4 जीरोस कट जाएंगे और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा. 2 से 105 कर देंगे और 210 और 105 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 22
टू 22,050. अब 22,050 का मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 22,050 माइनस 2,000, दैट इज 2000. अब 22,000 में से 20,000 माइनस करेंगे, यहां पर ये थोड़ा सा जीरो जो है वो निकल गया है, यहां से जीरो यहां से माइनस होगा, यहां पर 20,000 माइनस होगा, यहां 22,050 है और यहां 20,000 होगा, तो यहां पर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 2050. आपको ये डिफरेंस भी पता लग जाएगा यहां पर, जब आप उसे दो बार बार एन की वैल्यू 2 रखते हैं, तो ये जो 50 रुपीज एक्स्ट्रा आ रहे हैं ये आपको बताएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है. कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो ये अमाउंट जो होती ना, ये अमाउंट जो होती वो 2050 नहीं होती, ये अमाउंट 2050 नहीं होती, ये 2000 होती एक साल के लिए, ठीक है. तो अब जो अमाउंट आई है वो 2050 आई है, ना कि 2000. तो 50 रुपीज़ अब जो रेज हो गए हैं वो एक तरह से जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो इंटरेस्ट के ऊपर लगा दी गई है, ठीक है. तो इस तरह से ये बढ़ता है. अब अगर तीसरा का वो हो जाए कंडीशन कि व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब है कि हर 3 मंथ्स में लग जाए, तो इसका मतलब है ये जो कैलकुलेशन होगी वो 4 बार होगी साल के अंदर, तो एन की वैल्यू क्योंकि 4 हो जाएगी, एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो आप देखें यहाँ पर क्या होगा, और आर की वैल्यू आर बाई 4 हो जाएगी. तो देखिए आर की वैल्यू तो आर बाई 4 हो गई और एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू हो गई 4, ठीक है. फिर 20,000 रखेंगे और यहां पर आ जाएगा 400, यहां पर तो 410, यहां पर देखें 410, अब यहां पर कितना है 20,000, 410 अपॉन 400 को 4 बार लिखेंगे, जब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ रहा है 22,076.25. अब जब इसको 20,000 से माइनस करोगे तो अब अमाउंट आ रही है 20,076.25. तो आप ये समझ सकते हो अब कि फिर और कुछ अमाउंट छोटा सा और बढ़ गया है, तो ये इंटरेस्ट के बार बार ऐड होने की वजह से हुआ है, ठीक है. तो अब आपका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब आप समझ लो कि जितना ज्यादा एन या जितने बार इंटरेस्ट को कंपाउंड किया जाएगा, जितने बार इंटरेस्ट एन की वैल्यू जितनी ज्यादा रेज होगी उतना इंटरेस्ट उतना जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है. तो आज आप क्या करें, आज आप यहां तक कर लें. देयरफॉर सीआई व्हेन मनी इज कंपाउंडेड एनुअली इज 2076.25. तो आप आज यहां तक आप इसको करेंगे और इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ठीक है. और जब ये अच्छे से समझ में आ जाए, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो. और इसके बाद इसके अंदर और भी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम गो थ्रू दीज ऑल एग्जाम्पल्स एंड आफ्टर दैट एक पॉइंट और है, फिर प्रैक्टिस जोन भी करेंगे, लेकिन पहले ये एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला. तो इसकी एप्लीकेशन भी हो सकती है, उसके लिए पॉपुलेशन के क्वेश्चंस हैं और फैक्ट्री या फैक्ट्री के अंदर डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस हैं और पॉपुलेशन के क्वेश्चंस हैं, तो ये भी हम करेंगे. और ये जो है एप्लीकेशंस इसके अंदर हैं, तो हम सीधे क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद. पहले आप इसे आज क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ट्राई करिएगा प्रैक्टिस जोन के क्वेश्चंस को. और इसमें जो पहले जो 3 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 3, इनको आप आज करेंगे और उस मैं कराऊंगा, लेकिन आप ये 3 क्वेश्चंस को आज करके इनके सॉल्यूशंस डालेंगे, ठीक है. और कोई प्रॉब्लम के केस में आप अपना प्रॉब्लम भेजेंगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है. ओके देन.